सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हुई बीएड की प्रवेश परीक्षा। अयोध्या जिले में बने 43 परीक्षा केंद्र। जनपद में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के बीच शुरू हुई। जनपद के 43 केंद्रों पर लगभग 22,000 अभ्यर्थी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिकारी लगाए गए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि वे कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत परीक्षा दे सकें। सभी अभ्यर्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी मास्क लगाकर नहीं आए हैं उन्हें केंद्र पर ही मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अवध विश्वविद्यालय को नोडल केंद्र बनाया गया है। शहर में यातायात की व्यवस्था को सही रखने के लिए सीओ ट्रैफिक अरविंद चौरसिया ने ट्रैफिक सिपाहियों को हर चौराहों पर तैनात किया है। परीक्षा दो पालियों में हो रही है। प्रथम पाली में 9 से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। यह जो केंद्र दिए गए मुझे जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में 7 केंद्र दिए गए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक जीजीआईसी केंद्रीय विद्यालय और ये चौथा स्कूल है जो हम चेक कर रहे हैं। और लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं, परीक्षाएं बढ़िया से हो रही हैं। बस थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि ऑलरेडी स्कूल्स ने मास्क प्रोवाइड किए हैं बच्चों को, जो लोग लेके नहीं आए थे, अधिकतर लोग खुद लेकर के आए हैं, बट जहाँ पे बच्चे नहीं लेकर के आए तो स्कूल ने प्रोवाइड किए हैं और सब अधिकतर बच्चे मास्क लगा करके और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सब परीक्षा अच्छे से दे रहे हैं। ये पाली में से दी ये परीक्षा दो पाली में होगी, अभी 9 से 12 होगी और उसके बाद फिर 2 से 5 होगी। क्या लोगों को हिदायत दिया आपने जो है दोनों चार हैं दोनों को? सब लोग यही बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सब लोग मास्क लगा के परीक्षा दें और सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर जो डेस्क हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लेवल पर लगाए गए हैं और नकल विहीन परीक्षा हो, स्वच्छतापूर्ण परीक्षा हो, यही हमारी प्रार्थना। कि जितने सेंटर्स हैं हमारे सिटी में, हम लोग हर जगह भ्रमणशील हैं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी साथ में हैं और फोर्स हर जगह हमारी तैनात की गई है, जिसमें महिला कांस्टेबल, कांस्टेबल प्लस एक एसआई लगाया गया है। प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग और मास्क के कंप्लायंस के बाद ही लोगों को अंदर भेजा गया है। जो लोग बाहर हैं उनको भी हिदायत दी जा रही है कि आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि कहीं कोई कोरोना महामारी से संबंधित अपने यहाँ दिक्कत प्रकाश में ना आए। तो इस चीज़ के तहत हम लोग सबको हिदायत भी कर रहे हैं। विद्यालयों में पूरी तरह से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चे दूर दूर बैठे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं प्रॉपर अपने हाथ को। यदि कोई बच्चा मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसके लिए जो व्यवस्था दी गई है सरकार की तरफ से, विद्यालय प्रबंधक उसमें जो है मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर जगह मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं पुलिस अधिकारियों के साथ, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक नहीं प्रकार